ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 7/11/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे मनुष्य जो बाप को भूल दुबल में फंसे हुए हैं, यानी दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का परिचय दो। प्रश्न है, गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र होता है और शास्त्र से धर्म की पहचान है, तो बाबा कहते गीता शास्त्र को किस धर्म का धर्म शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? उत्तर है, गीता शास्त्र है ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मण देवी देवताय नमः कहा जाता है, इसे सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताओं में तो ये ज्ञान ही नहीं। ब्राह्मण ये गीता ज्ञान सुनकर देवता बनते हैं, इसीलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों का ही ये शास्त्र है, ये कोई हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं कहा जाता। ये बहुत समझने की बातें हैं। गीता ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा तुम्हें सुना रहे हैं, कृष्ण नहीं। गीत बजा है, न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे, यानी हम आत्माएं जो कि परमपिता परमात्मा की बन चुकी हैं, उसको सरेंडर हो चुकी हैं, वो कहती हैं कि हम प्रभु से जुदा नहीं होंगे, और प्रभु भी कहता है कि मैं भी ऐसे बच्चों से जुदा नहीं होऊंगा। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, विचार सागर मंथन कर मनुष्यों को दल दल से निकालना है। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं उन्हों को जगाना है। नंबर दो, सूक्ष्म अथवा स्थूल देहदारियों से बुद्धि योग निकाल एक निराकार बाप को याद करना है। सबका बुद्धि योग एक बाप से जुटाना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का, सच्चे वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं कि संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि को टच न करे, इसी को कहा जाता है सच्चा वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता है, और ये सहज भी है, क्योंकि असंभव से संभव करने वाले सर्वशक्तिमान बाप का साथ है। स्लोगन है, सहज योगी वह है जो हठ
व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।